नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का, तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। भारत ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। टीम ने फाइनल में कुवैत को पेनल्टी में 5-4 से हराया। फुल टाइम और एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा था। टीम इंडिया ने 9वीं बार ये टाइटल अपने नाम किया। बेंगलुरु के कांतेरवा स्टेडियम में मंगलवार शाम खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। इसमें भारत की ओर लालिन जुवाला और कुवैत की ओर से शबैब अल खल्दी ने गोल दागे। 90 मिनट का मैच 1-1 से ड्रॉ रहने के बाद 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया, लेकिन उसमें भी गोल नहीं आया। ऐसे में चैंपियन का फैसला करने के लिए पेनल्टी शूट आउट का सहारा लिया गया, जिसे भारतीय टीम ने 5-4 से अपने नाम कर दिया। कुवैत के स्ट्राइडर शबैब अल खल्दी ने 14वें मिनट पर गोल दागकर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई थी। उन्होंने लेफ्ट विंग अब्दुल्ला अमर के क्रॉस पर गोल दागा। भारतीय गोलकीपर गुरप्रीत इस शॉट को रोकने में नाकाम रहे। 28वें मिनट में भारतीय डिफेंडर संदेश छिंगन को येलो कार्ड मिला। उन्होंने कुवैत के बॉक्स के अंदर हेडर लेने के चक्कर में बॉल की जगह मेजबान खिलाड़ी को हिट किया। शुरुआती 15 मिनट में 0-1 से पिछड़ने के बाद लालिन ने हाफ टाइम से पहले टीम इंडिया को बराबरी दिलाई। चांगदे ने 38वें मिनट पर गोल दागा। उन्होंने सहेल के क्रॉस पर गोल किया, जो सहेल ने कप्तान सुनील छेत्री के पास कर दिया। तो भारत ने 1963 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, तो दुनिया की सबसे अत्याधुनिक तकनीक का पीछा करने वाला एक गरीब देश था। एक साइकिल पर रॉकेट को लॉन्च पैड तक ले जाकर भारत ने चुनौतियों से भरी अंतरिक्ष तकनीक में अपना कदम रखा। आज इस दौर में भारत ने बहुत अधिक मजबूती हासिल कर ली है। इस समय भारत में अंतरिक्ष तकनीक पर कम से कम 140 पंजीकृत स्टार्टअप्स हैं। कोरोना काल शुरू होने से पहले ये स्टार्टअप्स सिर्फ 5 थे। इनमें एक अनुसंधान क्षेत्र भी शामिल है। अंतरिक्ष तकनीक से जुड़ा क्षेत्र पूंजी निवेशकों के लिए भारत में सबसे अधिक मांग वाले क्षेत्रों में से एक है। 2022 में अंतरिक्ष स्टार्टअप ने नए निवेश में लगभग 980 करोड़ रुपए जुटाए। यह हर साल 2 गुना या 3 गुना हो रहा है। इसरो इन स्टार्टअप के लिए अपनी लाभदायक विरासत साझा करता है। श्रीहरिकोटा के तटीय द्वीप पर लॉन्चिंग स्टेशन भूमध्य रेखा के पास है और विभिन्न ऑर्बिट लेवल में उपकरण भेजने के लिए उपयुक्त है। लगभग 95% की सफलता दर वाला वर्क हॉर्स रॉकेट हैवी लोड के लिए दुनिया के सबसे विश्वसनीय रॉकेटों में से एक है। इसने एक सैटेलाइट की लॉन्चिंग की लागत को आधा कर दिया है। वहीं अंतरिक्ष में उपकरण भेजने के मार्केट का आकार लगभग 39,000 करोड़ रुपए, जो 2025 तक 3 गुना हो सकता है। अंतरिक्ष व्यवसाय में एलन मस्क सबसे आगे है। उनकी कंपनी स्पेसएक्स ने हैवी लोड को ऑर्बिट में भेजने की लागत को इतना कम कर दिया है कि इस समय उनसे कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। 5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर स्पेसएक्स के लॉन्च विश्व में सबसे सस्ते हैं। भारतीय रेलवे तेजी से देश भर में वंदे भारत के नेटवर्क को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। एक के बाद एक हर राज्य को वंदे भारत का तोहफा मिल रहा है। कुछ राज्यों में एक से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही हैं। इसी कड़ी में अब यूपी में एक और वंदे भारत ट्रेन चलने को तैयार है। ये वंदे भारत ट्रेन गोरखपुर और लखनऊ के बीच दौड़ेगी। पीएम नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। गोरखपुर से लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन किया गया। सुबह बरसती बूंदों के बीच वंदे भारत ट्रेन को गोरखपुर से लखनऊ के बीच चलाया गया। ट्रायल रन का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बारिश के बीच वंदे भारत ट्रेन पटरियों पर दौड़ती नजर आ रही है। ट्रायल रन के दौरान गोरखपुर से लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 6:05 पर गोरखपुर से निकली। इसके बाद ये ट्रेन सुबह 6:58 पर बस्ती पहुंची। यहां से 7 बजे खुलने के बाद 8:15 पर अयोध्या पहुंची और वहां से 8:15 पर खुलने के बाद 10:20 पर लखनऊ पहुंची। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें और वंदे भारत मेट्रो चलाने की भी तैयारी कर रही है। अगले साल तक देश में 3 तरह की वंदे भारत ट्रेनें दौड़ेंगी। ये स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शताब्दी, राजधानी और लोकल ट्रेनों की जगह लेने के लिए तैयार की जा रही है। इन ट्रेनों को चेन्नई में इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में बनाया जा रहा है।
अमेरिका में पढ़ने वाले जर्मनी के छात्र टिम विडमैन बीते हफ्ते न्यूयॉर्क के चर्चित आइकॉनिक बुक स्टोर घूमने गए थे। वहां एक मशीन के पास बड़ी संख्या में युवा कतार में खड़े थे। मशीन की ऊंचाई एक वॉशर ड्रायर जितनी होगी। फ्रंट वाले सफेद हिस्से पर कुछ बटन और चमकती हुई लाइट की लेयर्स थी। खगोलीय पिंट के अलावा सूर्य, चंद्रमा समेत 8 ग्रहों के लेबल वाले आइकन्स बने हुए थे। 27 साल की टिम को लगा कि ये नासा से जुड़ी कोई चीज है। ये मशीन आखिर क्या है, आइए आपको बताते हैं। मशीन ने टिम को सितारों से सवाल पूछने को कहा। नॉब दबाने पर सैकड़ों सवालों की फेरिस्त खुल गई। इनमें करियर, जॉब, शहर बदलने जैसे विषयों पर सवाल थे। तब टिम को समझ आया कि ये भविष्य बताने वाली मशीन है। एक सवाल चुनने के बाद टिम ने जन्म तिथि, समय और स्थान दर्ज किया। स्क्रीन पर संदेश फ्लैश हुआ जिसमें लिखा था कि सभी जवाब ज्योतिषी गणनाओं पर आधारित है। मशीन ने इस बिल्ट कैमरा से टिम की तस्वीर ली। कुछ पल बाद मशीन से एक स्लिप बाहर निकली जिसमें टिम का डॉटेड फोटो और इसके सवाल का जवाब था। टिम ने भविष्य में आने वाली समस्याओं के बारे में पूछा था। टिम समेत वहां मौजूद लोगों ने भी किसी को पता नहीं था कि जवाब तैयार करने में चैट जीपीटी की मदद ली गई थी। ये मशीन टेक कंपनी कोस्टार और बजी ऐप ने मिलकर बनाई है। जिस तरह सदियों से ज्योतिषी गणना और राशिफल की जानकारी देने के लिए ग्रह नक्षत्रों की गति और स्थिति का उल्लेख करते हैं, कोस्टार भी यही तरीका अपनाता है। ऐसी गणना रोजाना AI द्वारा तैयार करवाई जाती है जो ज्योतिषों की टीम द्वारा लिखे गए डेटाबेस की मदद देता है। अमेरिकी कंपनी बायोफायर ने स्मार्ट गन बनाई है। इसमें फेस रिकग्निशन फीचर और फिंगरप्रिंट सेंसर लगे हुए हैं। कंपनी का कहना है कि इस गन की मदद से लोग सुरक्षित और बेफिक्र महसूस करेंगे। गन वायलेंस के मामलों में भी कमी आ सकती है। अमेरिका में पिछले कुछ सालों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बच्चों ने या किसी शख्स ने गलती से गन फायर कर दी हो। नई स्मार्ट गन से ऐसी घटनाएं अब नहीं होंगी। कंपनी के मुताबिक ये 9mm की स्मार्ट हैंडगन फिलहाल 2024 से अमेरिकन मार्केट में उपलब्ध होगी। इसकी कीमत करीब 1,23,000 रुपए है, यानी कि $1,500। अमेरिकी कंपनी बायोफायर ने स्मार्ट गन बनाई है। इसमें फेस रिकॉग्निशन फीचर और फिंगरप्रिंटिंग सेंसर लगे हैं। कंपनी का कहना है कि इस गन की मदद से लोग सुरक्षित और बेफिक्र महसूस करेंगे। गन वायलेंस के मामलों में भी कमी आएगी। अमेरिका में पिछले कुछ सालों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बच्चों ने या किसी शख्स ने गलती से गन फायर कर दी हो। अमेरिका में कोई भी आम आदमी आसानी से बंदूक खरीद सकता है। हथियारों के इस खुले लेन देन में कोई जांच पड़ताल नहीं होती। जांच केवल दुकान से बंदूक खरीदने पर ही होती है। बंदूक खरीदते समय खरीदार को एक फॉर्म में नाम, पता, जन्म तिथि और नागरिकता की जानकारी देनी होती है। बंदूक बेचने वाले खरीदार की जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI से साझा करता है जो बंदूक खरीदार के बैकग्राउंड की जांच करती है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राजस्थान के बाहर किसी भी अस्पताल में अब फ्री ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा सकेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए नई गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी है। नई गाइडलाइंस के अनुसार प्रदेश के बाहर ऑर्गन ट्रांसप्लांट और कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए रीएम्बर्समेंट मिलेगा। प्रदेश के बाहर इस इलाज के लिए जाने पर मरीज और एक अटेंडेंट को एयर टिकट के लिए 1,00,000 रुपए तक का किराया भी मिलेगा। विशेष मामलों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पैकेज का 50% पैसा एडवांस में मिल सकेगा। नई गाइडलाइंस के अनुसार ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सिफारिश सरकारी मेडिकल कॉलेज के स्तर पर ट्रांसप्लांट इवेल्युएशन कमेटी करेगी। इस कमेटी की सिफारिश के बाद चिरंजीवी योजना में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पैकेज का लाभ मरीज को प्रदेश के बाहर मिल सकेगा। इस कमेटी की मंजूरी अनिवार्य होगी। प्रदेश में चिरंजीवी योजना के तहत प्रदेश के एम्पेनल्ड अस्पतालों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के 37 पैकेज और कॉक्लियर इम्प्लांट के 5 एक्स्ट्रा पैकेज लागू हैं। सीएम अशोक गहलोत ने इस साल के बजट में प्रदेश के बाहर के अस्पतालों में भी फ्री ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा देने की घोषणा की थी। प्रदेश में राज्य स्तर पर अब साइबर सिक्योरिटी लैब बनेगी। सीएम अशोक गहलोत ने लैब बनाने और इक्विपमेंट खरीदने के लिए 18 करोड़ रुपए के खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में लैब बनेगी। इससे प्रदेश में साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की जांच में तेजी आएगी।
सीएम ने साल बजट में इसकी घोषणा की थी। तो न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।